हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो व्याकरण भर्ती परीक्षा हुई थी कल। तो दोस्तों आपने सुना होगा उसमें मंडल के बंडल भी गायब हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त की जो न्यूज़ है तो दोस्तों आप भी कॉमेंट करके बताइए, अगर आप में से किसी ने परीक्षा दी हो तो क्या आपको 2019 के जीके आया था, नहीं आया था? क्योंकि दोस्तों जो 2018 के पेपर थे वो बांटे गए थे और दोस्तों इसमें भी कई मंडल गायब हो चुके थे जब एग्ज़ाम सेंटर में आए थे जोधपुर में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपने पूरे बार देख लीजिए। दोस्तों आधे से भी कम विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे, पहली पारी में 42 और दूसरी पारी में 44% विद्यार्थी आए थे, ठीक है, बहुत ही कम विद्यार्थी पहुँचे। क्योंकि दोस्तों मेन वजह तो एक तो एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की थी और दोस्तों जो करंट जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो 15 क्वेश्चन करंट जीके के से थे, ठीक है। और करंट जीके दोस्तों आगे जो है उसमें ज़रूर पढ़ना, आप करंट जीके के प्रश्न पूछ जाएँ, लेकिन वो भी 2019 से पहले 2018 के ही पढ़ लेना क्योंकि पेपर आ रहे हैं पुराने, ठीक है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से संभागवार परीक्षा केंद्र बदलने और तिथि बढ़ने के विवाद में बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग की शुक्रवार से स्कूल व्याख्या भर्ती श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। पहले ही दिन में से भी कम परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। विशेष बात यह रही कि सामान्य ज्ञान के पर्चे में वर्ष 2019 का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, यानी गत वर्ष का करंट जीके गायब था। ठीक है, विशेषज्ञों का कहना है कि यह परीक्षा फरवरी 2019 में प्रारंभ थी, ऐसे में RPSC में एक साल पहले के प्रश्न पत्र छाप लिए थे। तो दोस्तों ये पहले वाले जो प्रश्न पेपर छापे गए थे वो ही बांटे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्याता भर्ती परीक्षा दो पारियों में, पहली पारी में 9 से 10 बजे तक और दूसरी पारी 64 केंद्रों में बनाए गए थे। इसमें 20,078 विद्यार्थी में से केवल 8,462 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। इसमें 11,616 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, इसमें से 42.15% अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक थी, वो 44 केंद्रों बनाए गए थे इसमें, और 13,368 परीक्षार्थियों में से 5,958 विद्यार्थियों ने, आधे से कम ही विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम है आगे आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, जिन्होंने पेपर दिया है तो उसमें से आधे से कम विद्यार्थी जो उपस्थित हुए हैं, और जो नहीं दिए उनके लिए मेन वजह थी दोस्तों वो एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, ताकि आपको ये मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों आगे 5,000 वजह से निकाली जाएगी, तो इसमें दोस्तों आप ज़रूर भाग लेना, ठीक है। दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आज के पेपर की, ठीक है, ओके।